हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी है सीआरपीएफ के लिए तरफ से आया हुआ है। ये सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट ऑफलाइन फॉर्म 2020। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सीआरपीएफ की तरफ से पैरामेडिकल में स्टाफ रिक्वायरमेंट के लिए आया हुआ है, जो कि ऑफलाइन फॉर्म आया हुआ है और ये 2020 का है। आप देख रहे हैं पोस्ट डेट जो देख रहे हैं 20 जुलाई को दिया गया है, अपडेट जो किया गया है 13 जुलाई को किया गया है। मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे फायदे हैं आपके लिए और आप सीआरपीएफ में पैरामेडिकल में स्टाफ रिक्वायरमेंट पे आप ये फॉर्म फिल करके ये पोस्टेज पे आप जा सकते हैं और आपका लाइफ अच्छा हो सकता है। तो मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे कि इसमें क्या क्या आपकी क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और मेरे चैनल एमआई अप टू डेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको हमेशा एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दबा करके ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि सीआरपीएफ रिक्वायरमेंट आया हुआ है, हैज़ रिलीज द एडवर्टीजमेंट फॉर द न्यू वैकेंसी आज फॉर ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर न्यू जॉब्स। न्यू जॉब्स के लिए ऑफलाइन फॉर्म आया हुआ है, ये ऑनलाइन नहीं है। पूरी क्राइटेरिया मैं बताऊंगा। सीआरपीएफ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट विच इज़ न्यू पैरामेडिकल स्टाफ जॉब्स 2020। यहाँ इतने सारे पोस्टर्स आए हुए हैं जो कि न्यू पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आया हुआ है, आप इसको फिल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है जो कि सेंट्रल के अंदर काम करती है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रुप बी एंड ग्रुप सी वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट जो आया हुआ है, तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए है, यहाँ पे डी नहीं समझेंगे आप इसको। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट जो देख रहे हैं, एप्लीकेशन बिंग 20 जुलाई 2020 को होने वाला है। लास्ट डेट जो है आपका 31 अगस्त तक है, आप इसको इत्मीनान से देख लीजिए, फॉर्म को फिल कर लीजिए। और एग्ज़ाम जो डेट है 2012 दैट मीन 20 दिसंबर को होने वाला है। तो ये कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक डिक्लेयर डेट दिया हुआ है, बाकी के फॉर्म में नहीं होता है, तो ये एक खास बात है आपके लिए। एडमिट कार्ड जो अवेलेबल हो जाएगा आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी जो लगने वाला है यहाँ पे जो आपके लिए है फॉर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एसआई पोस्ट के लिए 200 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। ऑल अदर पोस्ट के लिए, बाकी पोस्ट के लिए 100 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। एससी एसटी वालों के लिए 0 रुपीज़ है यहाँ पे। एंड ऑल कैटेगरी फीमेल, कोई भी कैटेगरी का रहें, एससी एसटी ओबीसी या जनरल वाले, उनके 0 रुपीज़ लगने वाले हैं। पेमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं थ्रू डेबिट कार्ड, सॉरी डिमांड ड्राफ्ट, इंडियन पोस्ट ऑर्डर, आईपीओ के थ्रू कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑफलाइन फॉर्म है तो आपको भेजना पड़ेगा। इन फेवर ऑफ डीआईजीपी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ भोपाल, पेएबल एट एसबीआई बंगरासिया। ओके, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप वैकेंसी डिटेल, टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे 789, बहुत अच्छा डिजिट है यहाँ पे और बहुत अच्छी पोस्ट भी है आपके लिए। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 789 पोस्ट हैं यहाँ पे जो कि बहुत अच्छे हो सकते हैं। 789 कांस्टेबल, आपको मैं एक एक करके बता दूं क्या रिक्वायरमेंट है और क्या एज क्राइटेरिया है। तो कांस्टेबल जो सफाई कर्मचारी होते हैं यहाँ पे टोटल 121 है। एज 18 to 23, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 10 हाई स्कूल एग्जाम पास एनी रिकॉग्नाइज पोस्ट से, रीडिंग राइटिंग इन हिंदी इंग्लिश में आना चाहिए। बाकी ये आप कांस्टेबल के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए आप पोस्ट हो सकते हैं। ये 10 बेसिस पे है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए 175, बिलो 30 ईयर, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम्स। अगर आप नर्स में जाना चाहते हैं, सफाई स्टाफ नर्स में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए अच्छी हो सकती है यहाँ पे लाइफ। तो कांस्टेबल मतलब कुक के लिए, आपको खाना पकाने के लिए 116 पोस्ट है। 18 to 23 ईयर्स के बीच में अगर आप हैं, 10th हायर स्कूल पास करके यहाँ पे आपको 1 ईयर के एक्सपीरियंस, दैट मीन कुकिंग में एक्सपीरियंस, आप किसी रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं आप वहाँ से आप ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मेसिक जो है 80 पोस्ट, 20-25 है यहाँ पे। तो यहाँ पे 10+2 वालों के लिए है जो कि विद डिप्लोमा इन फार्मेसी विद द रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल होना चाहिए। हेड कॉन्स्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट है, 84 पोस्ट यहाँ पे है, 10th लेवल के लिए है और साइंस एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद डिप्लोमा रेडियो डायग्नोसिस होना चाहिए। एक्सरे आपको करना है वहाँ पे असिस्टेंट के तौर पे। हेड कांस्टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट और मेडिक
में आपको जाना है, 88 पोस्ट है, 10+2 वाले के लिए है। यहाँ पे मैं जितनी भी पोस्टेज बता रहा हूँ 10+2 और 10 वाले के लिए है, तो ये आप पूरा देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो, मैं आपको धीरे धीरे नीचे करके लेकर के जाता हूँ। पाउज करके आप वीडियो को इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। ओके 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 अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे कैटेगरी आप देख रहे हैं, हाइट, चेस्ट, रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप। मेल के लिए हाइट जो है 170 एंड 157, चेस्ट देख सकते हैं आप 80-85, रेस जो है 1 मील का होने वाला है जो कि 7 मिनट 30 सेकेंड, और फीमेल के लिए है 800 मीटर रेस इन 6 मिनट। और यहाँ पे लॉन्ग जंप 10 फीट है और फीमेल के लिए 6 फीट है। हाई जंप जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, आपको हाईएस्ट 3 फीट तक आपको करना है एंड फीमेल के लिए 2.5 फीट है। तो ये बहुत छोटी सी है रिक्वायरमेंट आपके लिए, तो बस ये फिजिकल फिटनेस के लिए हिसाब से ये लिया जाता है, कोई ख़ास आपके लिए नहीं लिया जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम को पास करना है। और ये जो भी आप इसमें से चाहें आप इनमें से भर सकते हैं, आप जो इंटरेस्ट रखते हैं जो फील्ड में जाना चाहते हैं। नोट यहाँ पे देख सकते हैं, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल रीड द नोटिफिकेशन। एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ है मैं बता दूँ, न्यू दिल्ली, प्रयागराज, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर, पल्लीपुरम। ओके ये देख लीजिए, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पे पूरा ले सकते हैं। सेंड एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ भेजना है आपको, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। आपको ये पूरा एड्रेस लिख देना है, DIGP ग्रुप सेंटर, CRPF भोपाल विलेज, बंगारसी, बंगारसिया तुलुक हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, MP में पड़ता है। ये पिन कोड के साथ आपको भेज देना है, स्पीड पोस्ट कर देना है। तो आपके लिए अच्छा खासा टाइम भी दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 को अप्लाई करना है और 31 अगस्त तक आप कर सकते हैं, आपके पास आराम से टाइम है, तो आप इसको सेंड कर दीजिए। अभी कोविड-19 को लेकर के यहाँ पे लॉकडाउन चलते रहते हैं, बीच बीच में बंद होते हैं खुलते हैं, तो आपको जब भी मौका मिले तो आप इसको कर लीजिए। डाउनलोड फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसी तरीके से कैसे फिल करना है ये भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। डाउनलोड नोटिफिकेशन के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट जाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये सारे नोटिफिकेशंस जो हैं मैं आपको सारे लिंक्स मैं अपने लिंक में दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा सकते हैं। वैसे मैं आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से आया हुआ है जी, एडवर्टीजमेंट जो है यहाँ पे, ये पूरा पढ़ सकते हैं आप। तो ये लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, आप यहाँ पे जा करके देख सकते हैं। और इसी तरीके से और भी न्यूज़ अपडेट्स चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं MI अप टू डेट पे आ सकते हैं, www.minotes.in पर। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए CBSE 12th रिजल्ट 2020 डिक्लेयर किया गया है, जो कि मैं अपने साइट्स पे डाला हूँ, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हाइलाइट्स दिया हुआ है। पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक टू रीड फुल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं OFSS बिहार इंटर 11th एडमिशन फॉर्म 2020 दिया हुआ है, ये जो 8/7 आपका लास्ट डेट है, तो आप इसको जल्दी से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं बहुत सारे पोस्टेस डालता रहता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए मैंने डाला है जो कि अप टू 1 लाख के लिए है। आप यहाँ पे आकर के इसी तरीके से इसको रीड टू फुल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ये पूरा को आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ, लीजिए यहाँ पे फॉर्म आ गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको पढ़ करके आप अप्लाई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म हैं यहाँ पे, तो आप सभी को पढ़ लीजिए, क्राइटेरिया को देख लीजिए, लास्ट डेट क्या है 31 जुलाई, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके इसी तरीके से आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको सिर्फ यहाँ पे www.minotes.in पर आना है, और यहाँ पे आकर के आपको यहाँ पे ईमेल आईडी को आप अपना लिखना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक लिंक जाएगा ईमेल आईडी पे, उसको क्लिक कर लेना है, आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसी के साथ आप यहाँ पे आकर के फॉलो बटन पे आप कर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, इसी तरीके से आपको फुल नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आप मोबाइल पर इस साइट को खोलते हैं तो आप यहाँ पे स्टार पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपका सेव हो जाए। और इसी तरीके से अगर मोबाइल पे यहाँ पे 3 डॉट है तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके स्टार का ऑप्शन देता है, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस फॉर्म को पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। MI अप टू डेट
क्या आप अपडेट हैं? नहीं ना, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर।